नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS Prep पर। भूगोल का टेस्ट नंबर 9 हम करने जा रहे हैं और इसके अंतर्गत जो चैप्टर आपको दिए गए थे उद्योग एवं परिवहन, उनके क्वेश्चन हम देखेंगे। मैं ओम प्रकाश पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक, निम्नलिखित में से कौन से लौह इस्पात कारखाना की अवस्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहीं है? दुर्गापुर, बोकारो, विजयनगर, इनमें से कोई नहीं। और आप इसका सही आंसर दीजिए, और इसका सही आंसर है विजयनगर। विजयनगर की जो स्थिति है वो कोयला क्षेत्र के समीप नहीं है, लौह अयस्क क्षेत्र के समीप है। लौह इस्पात कारखाना है लेकिन ये लौह अयस्क क्षेत्र के समीप है, न कि कोयला क्षेत्र के समीप है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दो, टिस्को कारखाना स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया था इसको? जमशेदपुर, स्वर्णरेखा नदी के संगम पर, उपर्युक्त दोनों सही हैं, दोनों में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है जमशेदपुर और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर। दो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल रही है, दो अलग अलग प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या तीन, निम्नलिखित में से अश्वमेधित युग्म की पहचान कीजिए। मालको मेट्टूर तमिलनाडु, नालको कोरापुट उड़ीसा, बालको रेणुकूट उत्तर प्रदेश, और डी है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आप बताइए, बहुत सोच कर उत्तर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है, हम जानते रहते हैं गलत हो जाता है। और इसका सही आंसर है सी, बालको रेणुकूट उत्तर प्रदेश जो दिया हुआ है ये गलत है। बालको जो है यानी भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये सबका फुल फॉर्म है अलग अलग, तो बालको का है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के कहाँ है, कोरबा में स्थित है। तो ये रेणुकूट वाला ये गलत है, और ये रेणुकूट में जो है वो कौन सी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रेणुकूट उत्तर प्रदेश यानी जो सोनभद्र में रेणुकूट है वहाँ पे कौन सी कंपनी, उसका नाम क्या है। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? फोर्ट ग्लोस्टर, कानपुर, मुंबई, कोयम्बतूर। सिंपल सा प्रश्न है, आप लोगों को रटा हुआ होगा, और इसका सही आंसर है फोर्ट ग्लोस्टर में इसकी स्थापना हुई थी। किस चीज़ की? आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना की बात यहाँ पर हो रही है। और फोर्ट ग्लोस्टर कहाँ है? ये कोलकाता के पास ये शहर है, कहाँ है? कोलकाता के पास। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या पाँच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पश्मीना बकरी, अंगोरा खरगोश, भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का काटनोपोलिस मुंबई, बताइए। और इसका सही आंसर है कि कौन सा गलत युग्म है, तो ये सी वाला युग्म गलत है, क्योंकि पश्मीना बकरी सही है, अंगोरा खरगोश सही है, भारत का काटनोपोलिस मुंबई सही है। भारत का मैनचेस्टर जो है वो अहमदाबाद है, और अगर आपसे पूछा जाएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो वो कोयम्बटूर हो जाएगा। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या छः, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है, दो कथन दिए हुए हैं। भारत में चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग के बाद कृषि पर आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, पहला स्टेटमेंट। महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक चीनी कारखाने हैं, दूसरा स्टेटमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, या दोनों सही है, क्या है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, आंसर सी हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आपको यहीं पे कमेंट बॉक्स में बताना है कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है। यहाँ पर तो चीनी की बात हो गई, चीनी कहाँ से बनता है भारत में, गन्ने से। तो आपको बताना है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। प्रश्न संख्या सात, ऐसे उद्योग जो किसी स्थान विशेष से लाभ नहीं ग्रहण करते बल्कि उन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? भारी उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, फुटलूज उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है यूपीएससी और सारे एग्जाम में, और यह है फुटलूज उद्योग।
इनको कहीं भी हम लगा सकते हैं। आजकल जितने भी जैसे सॉफ्टवेयर आप बना रहे हैं, आपकी कोई कंपनी है ना, या ऑनलाइन बैठ के कोई काम आप कर रहे हैं, सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो ये सब फूड लूज उद्योग के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है? BPCL, NTPC, भेल और बेल। एक कोई इनमें से महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है, और तो सब महारत्न, तीन महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है, एक कोई नहीं है, वो आपको बतानी है। और इसका सही आंसर आप टिक करिए, और यह है बेल। बेल जो है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये नवरत्न कंपनी है अभी। और BPCL की जहाँ तक बात है, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये सब महारत्न कंपनी है, बेल नवरत्न कंपनी है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, महारत्न तो 8 हैं, 9 हैं, महारत्न कितनी है ये आपको बतानी है, और नवरत्न कितनी है इस समय ये आपको बतानी है। वहाँ पे भी प्रश्न बनाने लगा था, आपको बताना है कि कितनी कितनी है इस समय, ठीक है ना। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क मद्रास, लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरामबूर, कौन सा इसमें असुमेलित है? और इसका सही आंसर है, सिंपल सा प्रश्न है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये मद्रास में नहीं है। ये कहाँ पर है मैं बताऊँ या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे? आप लोग ही बता दीजिएगा, क्योंकि सिंपल सा प्रश्न है और सारे इसमें सही है, तो 9 का आंसर हो जाएगा, बी ये सही नहीं है। भारत में तंबाकू कौन लाया था? नशा वशा कई बार ये सब विदेशी लेके आए, यहाँ छोड़कर चले गए। अंग्रेज लाए थे कि डच लाए थे कि डेनिस कि पुर्तगाली? सही आंसर इसका आप जानते होंगे, पुर्तगाली लेके आए थे तंबाकू। तंबाकू के अलावा पुर्तगाली और क्या क्या लाए थे, दो तीन महत्वपूर्ण चीज़ों को अगर कोई टाइप करेगा तो मैं मानूंगा कि वो हेल्प कर रहा है, दूसरों की मदद करना चाहता है वो कैंडिडेट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? लोकटक, झील, मेघालय, भेड़ाघाट, मध्य प्रदेश, अलेप्पी, केरल, जामपुई हिल, त्रिपुरा। ये भेड़ाघाट में, यहाँ पे देखिए भेड़ा हो गया है, लेकिन ये भेड़ा होगा, ठीक है ना, ये बिंदी रहेगी इसके नीचे। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? जामपुई हिल त्रिपुरा में है, अलेप्पी केरल में है, भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में है, लोकटक झील, सिंपल सा प्रश्न, कहाँ पर है? मणिपुर में है, मेघालय में नहीं है, तो ये पहला आंसर सही हो जाएगा। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? बताइए, सिंपल सा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, और इसका सही आंसर है रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड में से रूस। प्रश्न संख्या 13, पर्यटन क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत कौन सा शहर शामिल नहीं है? आगरा, इलाहाबाद, जयपुर, दिल्ली। पर्यटन को विकसित करने के लिए स्वर्ण त्रिभुज का विकास किया जा रहा है, कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है ये आपको बताना है। और इसका प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है, दिल्ली शामिल है, जयपुर शामिल है, आगरा शामिल है, इलाहाबाद शामिल नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से अश्वमेधित युग्म की पहचान कीजिए। NH1 नई दिल्ली से अटारी, NH2 नई दिल्ली से कोलकाता, ये राजमार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। NH9 दिल्ली से मछलीपट्टनम, और NH10 दिल्ली से पक्का चिश्ती, कौन सा सुमेलित नहीं है? और इसका सही आंसर है सी, NH9 जो है वो दिल्ली से मछलीपट्टनम नहीं है। 14 का सी आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक है मैं बताया दे रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ आप ही लोग बताएंगे तो बहुत सारे लोग शिकायत करने लगते हैं, कहते हैं कि सब तो हम ही लोगों से पूछ लेते हैं, तो आप पढ़ाते बताते क्या हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ाता उड़ाता नहीं हूँ, मैं आपकी बस मदद करता हूँ। आप इतने बड़े हैं कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये पुणे से मछलीपट्टनम के बीच में है, ये आप ध्यान रखिएगा, NH9। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करना है। देश के कुल सड़क मार्गों में लंबाई के हिसाब से राष्ट्रीय राजमार्गों की हिस्सेदारी 5% के करीब है, और राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा देश के संपूर्ण यातायात का लगभग 40% वहन किया जाता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या है, मतलब सही बताना है।
सोच लीजिए, सही से उत्तर दीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें सही है? नहीं सही है। ये 5% नहीं, ये 2% के बराबर है, लेकिन परिवहन का 40% ये होता वहन करता है, तो ये सही, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, 15 का बी, यानी कि दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। यूपीएससी में ये पूछा गया प्रश्न है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि हाँ, ये यूपीएससी में पूछा गया है ये प्रश्न, तो आपको इसका उत्तर बताना है। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। और इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर नहीं है, ये गलत है। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर सही है, पूर्वी रेलवे कोलकाता सही है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर सही है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर नहीं है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कौन सा है, कहाँ पे, कौन सा शहर है, आप बताएंगे? आप लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूँ तो आप लोग कई बार ये सोचने लगते हैं कि मैं अपनी बला टाल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, गार्डन रीच कोलकाता में है, तो ये कोलकाता आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण पूर्व रेलवे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से विश्व धरोहर सूची में शामिल रेल प्रणाली नहीं है। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे, कांगड़ा, ये घटी लिख गया लेकिन ये घाटी होगा, पर्वतीय रेलवे, कालका शिमला पर्वतीय रेलवे। बताइए 17 में से कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा नहीं है उसमें, विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। और इसका सही आंसर है कांगड़ा घाटी पर्वतीय रेलवे। नीलगिरी, दार्जिलिंग और कालका शिमला पर्वतीय रेलवे शामिल है। इसके अलावा हमारे यहाँ और कौन से हैं, एक नेराल माथेरन भी पर्वतीय रेल प्रणाली है, पांच हैं, तो उनमें से तीन शामिल हैं, नीलगिरी, दार्जिलिंग और कालका शिमला। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 17 का। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। जो रेलवे लाइनें होती हैं तो उनकी चौड़ाई अलग अलग होती है, मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज, ब्रॉड गेज, ये तीन मेन डिवीज़न है, मुख्य तौर पर तीन भागों में इनको विभाजित किया जाता है। मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है, 1 मीटर, स्टैंडर्ड गेज 1.435 मीटर, ब्रॉड गेज 1.676 मीटर चौड़ी पटरी। बताना है आपको इनमें से कौन सा असुमेलित है। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर दीजिए। और इसमें कोई भी असुमेलित नहीं है, सब सही है, तो उत्तर हो जाएगा कोई भी नहीं। असुमेलित पूछ रहा है ना, तो कोई भी असुमेलित नहीं है, सब सही है, याद रखिएगा इसको। कभी कभी पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में भी कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। राज्य राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस स्टेट में है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवेज की बात यहाँ पे हो रही है। और 19वें प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र में, विकिपीडिया पे यही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सर्वाधिक लंबा है? NW4, NW3, NW2, NW1। सर्वाधिक लंबा कौन सा है बताना है आपको, तो NW4 जो है वो सर्वाधिक लंबा है। आंसर 20 का ए हो जाएगा। ये लगभग 2900 किलोमीटर, 2890 किलोमीटर ये लंबा है। आप लोग सोचेंगे कि NH1 जो कि कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक, तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर जाता है, तो ये 1620 किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना। इसको मत मारिएगा, इसको मत टिक कीजिएगा। और 2 तो और भी छोटा है, 891 ही है। 3 सबसे छोटा है इन सब में, 365 ही है, सबसे लंबा यही 4 है जिसकी है 2890 किलोमीटर। स्कोर आप शेयर करेंगे निगेटिव मार्किंग करके, और दूसरों तक अगर आपको लगेगा तो आप पहुंचा सकते हैं ये मटेरियल, कोई दबाव नहीं है। अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि उनको भी मदद मिले, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना आपका बढ़ेगा। स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोई बात होगी तो ज़रूर बताइएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, जल्दी सेलेक्ट होइए। ऑल द बेस्ट।